हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है जावेद। आप देख रहे हैं हेल्पफुल लासा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका ट्रेन टिकट वेटिंग में चाहे 50 हो, 100 हो, 200 हो या फिर 300 हो, 1 से 2 दिन के अंदर वेटिंग टिकट कंफर्म हो जाएगा। रेलवे का एक सिस्टम होता है, उसके जरिए वेटिंग टिकट आराम से कन्फर्म हो जाता है और रेलवे वाले इसका गलत यूज़ भी करते हैं, एजेंट इसको गलत यूज़ करके कन्फर्म कराते हैं टिकट। क्या है ये सिस्टम, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले प्यार भरा रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, वेटिंग टिकट की बात कर ले तो वेटिंग टिकट के ऊपर कई तरह के कोटे होते हैं जिसके अंदर आप कंफर्म करा सकते हैं ट्रेन टिकट। साधारण भाषा में कहे रेलवे का एक कोटा होता है, HQ कोटा कह ले या फिर HO कोटा कह ले या फिर VIP कोटा कह ले। HO कोटा का मतलब होता है हेडक्वार्टर कोटा या फिर हेड ऑफिस कोटा, या VIP कोटा कह ले तो VIP कोटा में भी सीटें मिल जाती। ये सभी कोटा सेम होते हैं। इसके अंदर कुछ तरह की सीटें होती हैं जो पहले से रिजर्व रखी जाती हैं इन कोटा वालों के लिए। अगर स्लीपर क्लास की बात कर ले तो HO कोटे में 30 सीटें होती हैं पहले से रिजर्व, और थर्ड AC की बात कर ले तो 18 सीटें होती हैं, सेकंड AC की बात कर ले तो 12 सीट होती है और फर्स्ट AC की बात कर ले तो 5 सीटें होती हैं। इन कोटा में पहले से रिजर्व करके रखी जाती हैं। अगर इन कोटा में किसी को टिकट चाहिए तो आराम से वो वेटिंग टिकट इसी कोटा में कंफर्म कर दिए जाते हैं। अब बात यहां पर आती है कि इन कोटा में कैसे वेटिंग टिकट कंफर्म होता है, किसको अथॉरिटी होती है कंफर्म कराने की। तो आपको बता दूं, कोई भी इमरजेंसी में VIP ट्रेवल अगर करना चाहता है तो उसके तहत ये सीटें रिजर्व रखी जाती हैं। इमरजेंसी में यात्रा करने के लिए VIP लोग इसका यूज करते हैं या फिर रेलवे के अफसर लोग इसका यूज करते हैं। अब यहां पर बात आती है डेली के इमरजेंसी में कोई VIP या रेलवे के अफसर तो ट्रेवल करते नहीं है, तो बहुत सी सीटें इसके अंदर खाली रह जाती हैं। ऐसे में क्या होता है, रेलवे एम्प्लॉई एजेंट से मिल करके कोटा में कंफर्म कराते हैं सीटें। अब इसका प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बता दूं, स्टेशन मास्टर को एक इमरजेंसी कोटा के तहत एक रिक्वेस्ट दी जाती है, एक एप्लीकेशन दी जाती है जिसके अंदर बताया जाता है कि इमरजेंसी में मुझे यात्रा करनी है, ये डॉक्यूमेंट है। वो स्टेशन मास्टर उसको हेड ऑफिस भेजता है या जोनल ऑफिस भेजता है, उसके बाद वहां से अप्रूव होने के बाद वेटिंग टिकट को कंफर्म कर दिया जाता है। ये तो होता है प्रोसेस, लेकिन आपको तो पता ही है आम जनता के लिए रेलवे का जो ये रूल होता है सीट पाने के लिए वो काफी ज्यादा आसान नहीं होता है, काफी ज्यादा मुश्किल होता है और आप आराम से सीट इसके अंदर पा नहीं सकते हैं। ऐसे में क्या होता है, एजेंट से मिल करके आप सीट कंफर्म कराते हैं। एजेंट लोग रेलवे एम्प्लॉय से पूरी सेटिंग रखते हैं, 1,000, 2,000 या 3,000 रुपए पर टिकट चार्ज करते हैं, उसके बाद आपको इसी कोटा के तहत वेटिंग टिकट कंफर्म करा के दे दिया जाता है। ये एक तरह का पूरा नेटवर्क चलता है, पूरा रेलवे की काला बाजारी चलती है, रेलवे एम्प्लॉय इसके अंदर मिले होते हैं और साथ ही साथ एजेंट लोग भी रेलवे एम्प्लॉय से मिले होते हैं। वेटिंग टिकट आपका 200-300 तक 1 से 2 दिन के अंदर कंफर्म करके दे दिया जाता है। दोस्तों, ये वही कोटा होता है, HO कोटा कह ले या VIP कोटा कह ले या HQ कोटा कह ले, इसी कोटा के तहत वेटिंग टिकट को कंफर्म करके दे दिया जाता है। ये पूरी तरह से एक नेटवर्क चल रहा है लीगल टिकट का, इसके अंदर आम लोगों को आसानी से टिकट नहीं मिल पाता है, लेकिन जो लोग पैसे खर्चा करते हैं और एजेंट से सेटिंग कर लेते हैं उन लोगों को आराम से टिकट मिल जाता है। इस तरह के कोटा को भी बंद करना चाहिए इंडियन रेलवे की तरफ से, क्योंकि आम जनता को इसका कोई भी प्रॉफिट कोई भी फायदा नहीं होता है और इमरजेंसी कोटा में जो लोग ट्रेवल करते हैं वो लोग ज्यादातर पैसे देकर के ट्रेवल करते हैं और अपनी सीट कंफर्म करा लेते हैं रेलवे एम्प्लॉयज के जरिए या फिर एजेंट के जरिए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस तरह का सिस्टम जो है वो रेलवे में बंद होना चाहिए, आराम से सीटें मिलनी चाहिए आम नागरिकों को, लेकिन आम नागरिकों को सीटें आराम से मिल नहीं पाती है। दोस्तों, इस कोटा का भी बहिष्कार होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर भी बहुत ही ज्यादा फ्रॉड होता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।